नाम है गौरव शर्मा, स्वागत है आज की खास कार्यक्रम में। हमारे साथ है पद्मश्री भजन सम्राट अनूप जलोटा जी। सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा पहला प्रश्न ये था कि आपने भगवद गीता उर्दू में गाई है, सर ये कितना चैलेंजिंग था? बहुत मुश्किल था, गाने से ज़्यादा उसको लिखना मुश्किल था। अनवर जलालवी साहब ने, जिन्होंने 700 जो श्लोक हैं संस्कृत के, उसको 1350 उर्दू के शेरों में लिखा है, बहुत मुश्किल काम किया। मैंने वो खबर जब मोदी साहब को दी कि इन्होंने देखिए इतना बड़ा काम किया है, तो 2 साल पहले ही मोदी जी ने उसको पद्मश्री दिया, क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने काम किया। तो इतनी जो एप्रिसिएशन है सरकार की ओर से जब मिलती है, तो फिर सबका दिल और भी काम करने को होता है। तो इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। सर बॉलीवुड सॉन्ग्स और संगीत कितनी सारी विधाओं में आपने, मतलब भजनों के अंदर नाम कमाना कितना कठिन था और आपने इसको कैसे संभव किया? देखिए भजनों में नाम कमाना बहुत आसान है, मुझे तो गाना ही नहीं आता फिर भी लोग सुनते हैं। देखिए तो भजनों से बहुत आसान है, क्योंकि जो भगवान है आप उसका नाम लो तो वो तो सब काम पूरा कर देते हैं। ये जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, बड़े बड़े सिंगर्स हैं, उसके बीच में मेरा नाम हो जाना, ये तो ईश्वर की कृपा ही है, नहीं तो ऐसा तो मैं कोई खास सिंगर हूँ नहीं। सर आपने इतने सारे देश के बड़े बड़े सिंगर्स के साथ काम किया, तो आपको प्रेरणा किससे मिली, जिसको आपने अपना गुरु बनाया? मेरे पिताजी पुरुषोत्तम दास जलोटा जी, जिनसे मैंने संगीत सीखा, वही मेरे गुरु हैं, उनकी ही स्टाइल गाता हूँ। उनको भी सरकार ने पद्मश्री दिया था, मुझे भी दिया, तो परिवार में हम 2 पद्मश्री हैं। और हमें ईश्वर से यही प्रार्थना करनी है कि हमको शक्ति दे कि हम आगे और काम करें। सर मैं अगर हमारे जैसे युवाओं की बात करूँ, तो पढ़ाई का और बाकी सब इतना स्ट्रेस में, हम सब लोग कोशिश करते हैं आपके भजन सुनने की और अपने स्ट्रेस को कम करने की, तो सर इसके बारे में आप बताइए कि यूथ किस तरह अपना स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं? यूथ का जो स्ट्रेस है उसको हैंडल करने के लिए आप जब सुबह उठें तो थोड़ा प्राणायाम ज़रूर करें। प्राणायाम जो है वो आपके अंदर एक फोकस जगाता है और स्ट्रेस को कम करता है। 2 ही चीज़ें तो आपको चाहिए स्टूडेंट्स को, एक तो फोकस और दूसरा स्ट्रेस से दूर भागना। ये दोनों चीज़ जो है प्राणायाम से होती है, तो ज़रूर सब किया, सभी करें, सभी स्टूडेंट्स करें। थैंक यू।